सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से हम लोग आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर सेल्स की किस तरीके से हम रिपोर्ट बनाते हैं। लास्ट जो आपकी दो क्लासों के अंदर हमने सिखाया था कि आप बीजी की लेजर और लॉट डमाइज रिपोर्ट या आइटमाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम लोग लेजर की या सेल्स की रिपोर्टें कैसे बनाएंगे। अब सेल्स की रिपोर्टें कौन सी रिपोर्टें होती हैं? देखो, सेल्स की वो रिपोर्टें होती हैं जब हम सेल्स करते वक्त जो रिपोर्टें डालते हैं वो सेल्स की रिपोर्ट कहलाती है। अब कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे सेल्स की रिपोर्ट ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि जो मेरी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट मैं चाहता हूँ, सबसे पहले डेट, वाउचर नंबर, फिर क्या चाहिए, पार्टी, फिर आइटम नेम, फिर पार्टी पूरा नेम है, पार्टी नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, एमआरपी और अमाउंट। लेकिन अगर मैं अभी कोई सेल्स की रिपोर्ट आपको दिखाऊं, मैं यहां से रिपोर्ट नहीं देखता सेल्स की, उसके लिए हम कहां जाते हैं, अकाउंट बुक के अंदर, लेजर के अंदर ना आके अकाउंट रजिस्टर के अंदर आके सेल्स के अंदर आके ऑल आइटम करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं, आपको यहां पर रिपोर्टें दिख जाए। लेकिन इस रिपोर्ट में आता क्या है, डेट, वाउचर, पार्टी का नाम, टाइप और अमाउंट, और कुछ चीज़ तो आती नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें तीन चीज़ें तो मिल गई, डेट, वाउचर, पार्टी। हमें क्या चाहिए फोर्थ पे, आइटम है, तो किसके लिए हम क्या बनाएंगे, कस्टम कॉलम। लेकिन कस्टम कॉलम बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी। सबसे पहले क्या है, बीजी का आपका मॉडल कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड सा होना चाहिए, बेसिक मॉडल में नहीं बनता। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। और कस्टम कॉलम में जाएंगे, जब भी आप कॉलम बनाएंगे सबसे पहले क्या रहेगा, आपके फॉर्मेट का नाम रहेगा। फॉर्मेट नेम कुछ भी हो सकता है, रोहित सोहित, जो आपको जानना है। तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, और 01। क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए इसमें, आइटम का नेम। देखो तीन चीजें होती हैं, मैं आप काफी वीडियो में बता चुका हूँ, तीन चीजें होती हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। वो तीन चीजें कौन सी होती हैं, आप लोग बताएंगे कोई, और कोई, पहला अकाउंट मास्टर जो पार्टी बनाते वक्त डालते, दूसरा आइटम बनाते हो, और तीसरा वाउचर। आप कंट्रोल F1 करते हो या पार्टी बनाते हो जो इसके अंदर आता है वो क्या कहलाता है आपका, अकाउंट। और जब आइटम बनाते हो और फिर डालते हो क्या कहलाता है, आइटम कहलाता है। और जब आप सेल परचेज करते हो ये करते हो पूरा क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। भाई दोनों हाथ, माउस बहुत कम, ऐसे हो जो माउस आपके पास है नहीं, विदाउट लैपटॉप यूज करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आता है एड न्यू कॉलम। देखिए एक कॉलम होती है, एक रो होती है, जो रो चाहिए वो इस तरीके से यूज करोगे, और कॉलम आपके जैसे पिलर होते हैं ना वो समझ लो कॉलम होती है। क्लियर, हमने एड कॉलम कर, हमें क्या चाहिए होगी, अब आते हैं आइटम का नेम। क्या आता है, आइटम का नेम, आइटम का नेम डाल, क्या चाहिए, आइटम का नेम। क्लियर, आप पूछता है आइटम नेम की पोजीशन क्या है, तो आप पोजीशन देखिए क्या पर है, डेट, वाउचर नेम, पार्टी का नाम, और फोर्थ नंबर पे क्या है, आइटम। तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा, आइटम, तो आफ्टर F3। अब क्या जो हमारे पास आइटम का नेम आता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला है, राइट, तो उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, उसके बाद क्या लेंगे, लेफ्ट। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट होता है पोजीशन, क्या आपको राइट में चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट होता है जैसे यहाँ पर स्टार्ट होगा ये लेफ्ट है, ये बीच में होगा ये क्या होगा, सेंटर, और जो इधर से स्टार्ट होगा क्या होगा, राइट होगा। तो हमें क्या चाहिए अभी, लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी कैरेक्टर कितने बड़ा हो, ये मतलब साइज कितना बड़ा, आइटम का नेम कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 25 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर, 30 ले लो, लेकिन 20 भी बहुत हो जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद अब आती है डाटा फील्ड, डाटा फील्ड में हम क्या लेंगे, अकाउंट मास्टर नहीं लेंगे, आइटम मास्टर नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, इन्वेंट्री। लेकिन हमें आइटम का नेम चाहिए, देखिए दो पार्ट होते हैं, एक इन्वेंट्री हेडर होता है, एक आपका इन्वेंट्री बॉडी होता है, तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, बॉडी। बॉडी इसलिए लेंगे क्योंकि हमें आइटम का नेम चाहिए, बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक अलग है, हाँ कोई आइटम मास्टर में नहीं है। अब इन्होंने बोला कि सर यहाँ पर आइटम मास्टर क्यों नहीं लिया आपने, आपने आइटम मास्टर अगर लेता ना तो आइटम मास्टर के अंदर की चीजें देगा, तो हमें कहाँ चाहिए, हमें वाउचर के अंदर जो हमने क्वांटिटी डाली हम उसकी बात कर रहे हैं। समझे, इस लड़के ने क्या पूछा मुझसे, सर आपने यहाँ पर
अब आइटम मास्टर क्यों नहीं लिया भाई? आइटम मास्टर कैसे ले लूंगा मैं, मुझे आइटम का नेम चाहिए। क्या चाहिए? नेम। लेकिन नेम कौन सा चाहिए? जो मैं सेल कर रहा हूँ उस आइटम का नेम चाहिए। तो मैं किसके अंदर ले लूंगा? वाउचर या वाउचर बॉडी, बोथ आर सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर बॉडी ले लेंगे और फिर कहाँ जाएंगे? आइटम, और यहाँ पर आइटम का जो भी नेम होगा वो नेम ले लेंगे। देखिए आइटम की आपको जितनी चीजें थी सारी चीज ने डाल रखी, आइटम का ग्रुप नेम, आइटम की इमेज, आइटम की मस्त डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? आइटम नेम। और यहाँ से क्या कर देंगे हम? सेव। हो गया सेव। फिर इसको सेव करेंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं F2 करके, तो आपकी रिपोर्ट में अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? क्योंकि एक बार क्विट नहीं करा हमने, क्विट करा फिर गए तो आप देखिए फिर आ गया आपके पास। आप ऐसे ही ओके करेंगे तो आपके पास उस आइटम का नेम आ जाएगा कि हमने ये आइटम सेल किया। क्या आइटम सेल करिए भाई? कितनी क्वांटिटी सेल करी? कैसे मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? कस्टम कॉलम और यहाँ से ऐड न्यू कॉलम, और कॉलम का जो भी नाम होगा क्या? क्वांटिटी। तो हमें क्या चाहिए? निकाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होता क्योंकि हमें तो सेल का चाहिए ना, तो उसके अंदर पूरी चीज़ें आती नहीं। क्लियर है? ये बना लोगे ना भूल जाओगे रिपोर्ट क्या होती है, कस्टमर के आगे कभी नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्वांटिटी क्या होती है? न्यूमेरिकल होती है। तो क्या डालेंगे? न्यूमेरिकल। और क्या ले लेंगे यहाँ से हम लोग? आइटम इन्वेंट्री। और इसके अंदर हम कहाँ जाएंगे? और क्या लेंगे हम? क्वांटिटी। क्लियर? और क्या लेंगे क्वांटिटी में? अब देखो क्वांटिटी में लिया तो इतनी सारी चीजें आ रही, आप इतनी सारी चीजें नहीं चाहते, आप सिंपल चाहते तो क्या ले लो? बॉडी ले लो भाई। बॉडी के अंदर हर टॉपिक के लिए सेपरेट उन्होंने इंडिविजुअल कर रखा है, निकल जाएगा। और क्वांटिटी यहाँ डाल दें, और क्वांटिटी में क्या ले लिया मैंने? क्वांटिटी। और इसको यहाँ पे सेव करो, यहाँ सेव करो और यहाँ सेव करो। ये आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई। आप देखिए यहाँ पर आपके साथ क्वांटिटी भी शो हो गई, आ गई क्वांटिटी शो। उसके बाद जो आइटम ने बेची उसका रेट भी चाहिए। क्या चाहिए? रेट। हम क्या जाएंगे? कस्टम कॉलम, ऐड न्यू कॉलम, और क्या ले लेंगे? रेट। रेट की पोजीशन हमें क्या चाहिए? आफ्टर U2। U2 क्या होता है? यूजर डिफाइंड। ऐड कॉलम, और क्या ले लेंगे? नंबर। और यहाँ पर क्या ले लिया? वाउचर फील्ड। वाउचर नहीं लेनी चाहिए थी, क्या लेनी चाहिए थी? बॉडी लेनी चाहिए। बॉडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें ना हर चीज के लिए इंडिविजुअल टॉपिक बने हुए, आसान है, थोड़ा सा इजी है। आइटम का चाहिए, और आइटम का हमें क्या चाहिए? सेल प्राइस। लेकिन आइटम का सेल प्राइस नहीं चाहिए, आइटम का चाहिए ना, आइटम का। यहाँ पर दिख रहा है आइटम का सेल प्राइस, पढ़ लेना आप लोगों, ठीक है? और इसको और सेव कर। दूसरा में क्या चाहिए था? MRP। ऐड न्यू कॉलम, क्या ले लो? MRP। MRP भी कहाँ की पार्ट है भाई? ये किसका पार्ट है? बॉडी। और आइटम का MRP आ गया, एंड देन सेव कर दो। ये देखिए आपकी रिपोर्ट बन गई। दो अब एक बार क्विट करो और यहां से आके रिपोर्ट निकाल दो। ये आपकी रिपोर्ट पूरी सही से बन गई है। क्लियर है? आ गया। जो चीज नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से ऐसे करके हटा देंगे। क्लियर है? और जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट फ्रॉम BGSN आके एग्जिट इज क्रिएट पे आके निकालेंगे, और जो हमें नहीं चाहिए उस पर से हम लोग एक हटा देंगे और ऑक्से कर देंगे। अब आप कहते हो कि सर सीरियल नंबर भी चाहिए, तो आप यहाँ पर एक होता है सीरियल नंबर, इंसर्ट सीरियल नंबर पे क्लिक करो, और जिसकी हेडिंग चेंज करनी है उस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ से उसकी हेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। प्रिंट आउट में चेंज, और जब आप प्रिंट आउट निकालो तो फ्रॉम बीजी करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते। आगे आपकी रिपोर्ट वो यस क्यों लगा? यस करें ताकि बीजी डेट आ जाए। क्लियर? तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर आप सारी रिपोर्टें बना सकते हैं। अच्छा, तो आप कहीं से भी रिपोर्ट बना सकते हैं, यानी आप यहीं से बना सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यही फॉलो होता है, और कोई चेंज नहीं। आपने जितनी वीडियो अब तक देखी होगी मेरी यूट्यूब पे, उसमें सभी ये चीज़ों को मैंने यूज़ करा है। कॉन्सेप्ट सेम है, बट चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है? तो आज आपने सीखा है कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से सेल्स की रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसी सेल्स की रिपोर्ट, और ऐसी आप परचेज की रिपोर्ट बना सकते हैं। क्लियर है? ओके।
सेल अमाउंट में उठाया, उसको आइटम